पीएम मोदी ने आज देश में स्वच्छता अभियान पार्टू की शुरुआत की। इसी क्रम में दिल्ली के गोल मार्केट, केंद्रीय विद्यालय के सैकड़ों बच्चे सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर्स पोस्टर्स लेकर छात्रों ने स्वच्छता अभियान पार्टू का संदेश दिया और दिल्ली में जगह जगह सड़कों से प्लास्टिक और कूड़े को हटाया। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों और टीचर्स ने लोगों से अपील की कि अपने आसपास सफाई रखें और दिल्ली को स्वच्छ बनाएं। पीएम मोदी ने स्वच्छता आंदोलन अभियान पार्ट टू की शुरुआत की है और आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो जन जन ने ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है कि वो बैनर को लेकर जो है स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। और आप देख सकते हैं जगह जगह जो है सड़कों पर जो है बच्चे जो हैं वो गंदगी को साफ कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान आंदोलन पार्ट टू की घोषणा की है और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रमिला मिश्रा। मैम स्वच्छता अभियान पार्ट टू की शुरुआत पीएम मोदी की ओर से की गई है, कैसे देखती हैं आप लोग? जो बच्चे हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं साफ करने? अभी हम लोग स्कूल से निकले हैं, केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट से, और यहाँ से होते हुए अभी पूरा स्कूल तक ही वापस जाएंगे। और रास्ते में जितने भी प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह मिले हमें, हमने उन्हें हटाया है। इस अभियान को बच्चों के बीच में लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों में ये अवेयरनेस आए कि गंदगी हमारे लिए घातक है, हमारे जीवन के लिए, और सफाई हमारी आदत बन जानी चाहिए। सर, पहली बात तो जो दो तरीके के डस्टबिन होते हैं उनका प्रॉपरली यूज नहीं होता, उसके बाद उनको एक डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे अगर सेपरेट किया हुआ कूड़ा भी होता है वो भी मिक्स हो जाता है, तो इससे बीमारियां भी फैलती है। तो इसलिए हमें कुछ एक एक्शन लेना होगा। क्योंकि पीएम मोदी ने स्वच्छता आंदोलन पार्ट टू की शुरुआत की है जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।